नमस्कार, मैं हिमांशी कुमार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। स्वास्थ्य मामले में बिहार की स्थिति काफी खराब है। भारत के तमाम राज्यों में बिहार सबसे निचले राज्यों में से एक है जहां स्वास्थ्य को लेकर तमाम तरह की दिक्कतें हैं। हम बता दें कि ये नीति आयोग की सूचकांक कहती है जो केंद्र सरकार द्वारा रिलीज होती है और केंद्र में एनडीए की सरकार है और बिहार में भी एनडीए की सरकार है और मैं उसी डेटा के आधार पर यह कह रहा हूं। इसके अलावा जो भी सुविधाएं यहां के डॉक्टरों को तमाम अधिकारियों को प्राप्त है उसके बाद भी वो जनता को डिलीवर नहीं हो पाता है और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। तरह तरह की खबरें आप तक आती होंगी कैसे डॉक्टरों की वजह से, स्वास्थ्य प्रणाली की वजह से कई आम लोग जो है वो अपना दम तोड़ देते हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर आ रही है जिसे हम गैर जिम्मेदारी की प्रकाशा कहेंगे। जी हाँ, हम बता दें कि प्राथमिक चिकित्सा पदाधिकारी की मौत इसी साल कोरोना में जो है हो जाती है। इसके बाद 8 मार्च को एक अधिसूचना जारी की जाती है, तमाम डॉक्टरों को की प्रोन्नति की जाती है, प्रमोशन किया जाता है और उस प्रमोशन में उस चिकित्सक का नाम होता है, उस प्राथमिक चिकित्सा पदाधिकारी का नाम होता है जिसकी मौत इसी साल कोरोना से हो गई। इसके बाद ये मामला सदन तक पहुंचा और काफी हंगामा हुआ। विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार कैसे इस हद तक गैर जिम्मेदार हो सकती है कि जिस अधिकारी की मौत इसी साल हुई है कोरोना से, उसका प्रमोशन कर दिया जाता है। हम बता दें कि उनका नाम जो है राम नारायण राम था, जो पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विक्रमगंज रोहतास में जो है वहां पर वो डॉक्टर की भूमिका निभा रहे थे। उसके बाद 8 मार्च को अधिसूचना जारी की गई, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें उनको शेखपुरा जिला का सिविल सर्जन बना दिया गया। हालांकि मामला जब बढ़ा तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अपना रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि पोस्टिंग वरीयता के आधार पर होती है और जब ये लिस्ट तैयार हो रही थी उस वक्त में राम नारायण राम जिंदा थे, इसलिए ये गलतियां हुई है। हालांकि उन्होंने कहा ये गंभीर मामला है और हमने अधिकारियों को, स्वास्थ्य अधिकारियों को शो कॉज नोटिस जारी किया है। क्या कुछ कह रहे हैं मंगल पांडे, आप खुद सुन लीजिए। पूरा के जो सिविल सर्जन बनाए गए हैं वो मृत हैं, फिर भी उनको सिविल सर्जन बना दिया। नहीं देखिए, जैसे सिविल सर्जन की जो पदस्थापन की प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया में उनकी वरीयता का ध्यान रखा जाता है और वरीयता के आधार पर पदस्थापन किया जाता है। और जब ये पदस्थापन की संचिका बनती है तो संचिका के शुरू होने से लेकर नोटिफिकेशन तक में कुछ समय लगता है। निश्चित रूप से इस बीच में उनकी दुखद मृत्यु हो गई और लगभग एक माह पूर्व उनकी मृत्यु हुई है और अधिसूचना के समय जो वरीय अधिकारी को इसकी जानकारी मिलनी चाहिए थी वो जानकारी विभाग को उपलब्ध नहीं हुई। तो इस कारण से जो हमारे विभाग के संबंधित अधिकारी और सेक्शन अफसर इन सारे विषयों को देखते हैं उन पर शोकॉज हुआ है। और सिविल सर्जन शेखपुरा का जहाँ तक बात है वहाँ पर जो अभी ACMO हैं शेखपुरा के, उनको पदभार दिया गया है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।